तो आप लोगों ने पिछले वीडियो में गुप्त वंश के बारे में कुछ पढ़े, तो चलिए आगे इसके आगे भी और है कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो इसका आंसर जो है उपगुप्त। कौन सा है? उपगुप्त है। अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? तो ये इनका कुषाण का नहीं किया हुआ था, ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका ए नंबर महाक्षत्रप रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो पिछले का क्वेश्चन का आंसर भी था। फिर अगला जो है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर है पाटलिपुत्र। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? तो वह है विशाखदत्त। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? तो यह है मास्की की लघु शिलालेख। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो यह है जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। फिर आपका नेक्स्ट है वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला, वह है अनुराधापुर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस शासन ने बनवाया था? तो यह है अशोक ने। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो यह है गुर्जरारा में, ये जो है आलेख है। फिर आपका जो है कि अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो यह है शिलालेख 12th। क्या है ये है बर्मा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो इसका है मेगा स्थानिज। कौन है? मेगा स्थानिज। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है कि पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासक द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था वो क्या था? सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मौर्य काल में शिक्षा सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, कौन सा था? तो यह था तक्षशिला, ठीक है। फिर है मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है, तो मेगास्थानिज की इंडिका में, मेगास्थानिज के इंडिका में। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो ये है सीताध्यक्ष, ठीक है। फिर है आपका, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो यह है मृत्यु दंड। फिर आपका नेक्स्ट है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो आपका आंसर है प्राकृत। फिर मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? तो आपका आंसर है राजकीय भूमि से प्राप्त है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक का अपने शिलालेख में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह क्या है? तो प्रियदर्शी। इस प्रकार से हम लोग 40 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं, तो आप लोग बस थोड़ा थोड़ा आप लोग इसमें से देखेंगे और जो भी आप लोगों को लगे कि ये इम्पोर्टेंट है उसको आपको ध्यान में रख लेना है, क्योंकि खुद किसी न किसी को खुद पता रहता है कि हाँ ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बताऊँ तो आप खुद भी गेस कर सकते हैं कि इसमें से कौन से क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारे के सारे तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही है, तो जो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं उनमें से मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसे कि दे रहा हूँ, आप लोग इसको बस एक दो बार पढ़ लेंगे बस हो गया। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।